हाँ ऑफ कर दे रहे हैं हम लोग 15,000 फीट पे ना आ चुके हैं। बस आगे है चाइना बॉर्डर। भाई मेरा ऑक्सीजन लेवल पूरा गिर गया था। ये जो दे रहे हैं ना रोड वो चाइना में ही आता है। सब बिहार वाले ही हैं। अभी बिहार से हैं? अरे वाह समस्तीपुर। और ये जो मोनेस्ट्री है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है। बादल देखो कैसे चल के आ रहा है, देख रहे हो? तो यार फिर एक नया दिन और फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। हम लोग है अभी तवांग में और तवांग से हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट बुमला पास के लिए। कल हम लोग तवांग में एक दिन और स्टे किए थे भाई, क्योंकि हम लोग जिस दिन यहाँ पहुंचे थे उस दिन परमिट वाला सीन नहीं हो पाया, तो उसके नेक्स्ट डे हम लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ गया था। और रुकने के बाद हम लोग परमिट वाला सीन सारा चीज कर लिए हैं और कल हम लोगों ने आर्मी ऑफिस में जमा कर दिया था अपना परमिट। अभी जाकर हम लोग रिसीव करेंगे और फिर डायरेक्ट निकलेंगे यहाँ से बुमला पास के लिए। और हम लोगों का आज टारगेट है कि बुमला पास से हम लोग रिटर्न होकर डायरेक्ट दिरांग जाए। देखते हैं दिरांग पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते। फिलहाल आज का जो हमारा रूट है हम लोग जाएंगे बुमला पास, फिर हम लोग जाएंगे माधुरी ले और फिर हम लोग जाएंगे लुंगरूला पास। ठीक है, एक नया स्पॉट खुला है टूरिस्ट के लिए और वहां पे भी बहुत कम ही लोग पहुंचे हैं, सो हम लोग भी जा रहे हैं वहां पे लुंगरूला पास। अगर आप लोग भी आते हैं तो एक दिन यहाँ स्टे करना पड़ेगा क्योंकि परमिट लेने में कम से कम 24 घंटा लगता है, वेरीफाई होता है। अगर जल्दी परमिट चाहिए तो भाई 3 बजे से पहले यहाँ पहुंचना पड़ेगा, तभी आप लोगों को नेक्स्ट डे का परमिट मिल पाएगा। अगर आप मैनुअली परमिट बनवाते हैं तो 100 रुपए में आपका परमिट बन जाएगा और हम सभी लोगों का 300 में भाई परमिट बन गया है। हम लोग 4 लोग हैं, एक का तो भाई परमिट बना नहीं, क्योंकि परमिट जो बनता है ना वो व्हीकल का बनता है ना कि पर्सन का। अभी हम लोगों को कुछ पता नहीं है भाई कि हम लोग जो है बुमला से यहाँ आएंगे तो कहाँ तक लगा पाएंगे। ये भी हो सकता है कि फिर हम लोगों को यहीं रुकना पड़ जाए। मेरे शक्ल से पता चल रहा होगा भाई इतना ज्यादा थकावट हो गया इस राइड पे। खाने पीने का थोड़ा दिक्कत है। ऐसा भी दिन आया है भाई कि हम लोग बिस्किट खा के रात गुजारे हैं। खाने पीने के चक्कर में ना भाई थोड़ा सा हम लोग कमजोर भी हो गए। ऐसा कमजोर तो आप नहीं हुए, ये बात मानना पड़ेगा। कैसे आप तो कमजोर नहीं हुए? कैसे? वेट ना पिया घर पे जाकर। अरे वेट छोड़ो ना, वेट तो हम 50 किलो का है, छोड़ो ना उससे। 50 किलो? हां 50 किलो। असंभव। 50 किलो के भाई? असंभव। अरे बताओ इसको भाई, आप 50 किलो वेट है आपका? 50 किलो वेट है। 75 plus 7 75। यो या कुछ भी? अरे कुछ भी, अरे कुछ भी, अरे कुछ भी भाई, पेट देख के अंदाजा लगा लो। बाकी आप सब समझदार है। हाँ 74 है मेरा। ये ना बोलो ना भाई, खाते पीते है ना, जिसका पेट नहीं उससे एक नहीं। बाकी गाइस हमारे पास जितना भी स्टोरेज था ना भाई सारा का सारा फुल हो गया है। अब पता नहीं भाई कैसे हम लोग शूट करेंगे, फिर भी कोशिश है कि आप लोगों के लिए बेस्ट व्लॉग निकाले। और आज जो हम लोग जहाँ जाने वाले हैं ना भाई, वो यार हमारा ड्रीम था, हम लोगों का ड्रीम था, तो आज हम लोग अपना ड्रीम कम ट्रू करने वाले हैं भाई। और ये भाई अपना स्प्लेंडर से करेगा और हम अपने ड्यूक 125 से करेंगे, है ना? जो ना अपने अपाहिज से करेगा। अपाहिज? अरे अपाची, अपाची। अपाहिज से। तो गाइस फाइनली हम लोग अब चेकआउट कर रहे हैं, अभी बजे सुबह के 7। और ये भाई से मिलिए, पूरा फुल खातिरदारी की है। भाई का नाम रुपेन है और भी 2 भाई है। भाई इधर आ जा, नाम बताओ अपना। भाई आप भी आ जाओ। मेरा नाम है सुबोल। और एक और भाई कहाँ गया? भाई नीचे। बाकी गाइस थैंक यू सो मच इतना अच्छा कोऑपरेट करने के लिए। होटल दावा, ठीक है, बेस्ट होटल इन तवांग। जब भी आप लोग तवांग आओ तो आप लोग यहाँ स्टे जरूर करना। हम लोगों ने कर लिया है रूम चेकआउट। कल हम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट आर्मी ऑफिस जमा किया था और अभी हम लोगों को मिल जाएगा बुमला पास का परमिट। बाकी गाइस ये रहा तवांग शहर। घुमा ले, इधर से चलना है भाई साहब, एकदम खरा चढ़ाओ। साहब हमारे सामने है लॉर्ड बुद्धा स्टैचू, वहां पे भी चलेंगे अभी। गाइस दिस राइड इज स्पॉन्सर्ड बाय जे मोटर्स फॉरबिसगंज, श्री जगन्नाथ स्वीट्स फॉरबिसगंज, फूड जैक्सन फॉरबिसगंज। ये जो स्टैचू है ना तकरीबन 19 मीटर का है और काफी बेहतरीन। तो आज हम लोग तवांग को एग्जिट कर रहे हैं तो सोचिए आप लोगों को भी दिखा देते हैं। अभी तवांग जो है ना भाई पूरा बादलों में घिरा हुआ है, देख सकते हैं पूरा बादल में घिरा हुआ है। और ठीक 1 महीने के बाद अगर हम लोग यहाँ आते हैं ना भाई साहब, क्या स्नो होता है यहाँ पे। बाकी गाइस यहाँ से हम लोगों को होना है लेफ्ट और आर्मी ब्रिगेड ऑफिस जाना है हम लोगों को। सो गाइस हम लोग आ गए हैं ब्रिगेड ऑफिस और ये हमारे सामने रहा तवांग सिटी। जैन सर, भाई साहब ठंड अभी भी बहुत ज्यादा है, हम लोगों का क्या हाल होगा आज बुमला में वो हम लोगों को पता नहीं है बिल्कुल भी भाई साहब। और हम लोग आ गए हैं तवांग मेमोरियल और यहाँ से हम लोग रिसीव करेंगे अपना परमिट।
सर टाइमिंग वाइमिंग भी है क्या वहाँ जाने का और निकलने का वहाँ से? टाइमिंग है सर, लिखा है पूरा। कितने बजे तक वहाँ से एग्जिट करना है? तीन बजे तक। बुमला से एग्जिट करना है हम लोग, वो माधुरी लेक तो जा सकते हैं ना। सो गाइस ये मिल गया हम लोगों का परमिट और अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से टूवर्ड्स बुमला पास। ये रहा आर्मी कैंटीन और यहाँ पे हम लोग रुक के कर लेंगे नाश्ता और यहाँ से देख सकते हैं भाई तवांग सिटी। आई लव इंडियन आर्मी। गाइज ये रहा सामने तवांग मोनेस्ट्री। ये जो मोनेस्ट्री है ना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोनेस्ट्री है जो कि है तवांग में। मोनेस्ट्री तो बहुत बड़ा है, पूरा कवर तो नहीं कर पाएंगे। कल हम लोग यहाँ पे आए थे लेकिन शूट नहीं कर पाए। सो गाइज चलिए इसको घुमाते हैं। लेफ्ट साइड होके हम लोग राइट साइड से निकलेंगे इसको घुमाते हुए। मुझे तो इसके बारे पता नहीं है, अगर आप लोगों को पता है तो भाई कमेंट में लिख के बताओ। साला बोल रहे तो हाफ रहे हैं। सो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बुमला पास के लिए। अभी बज गए हैं दिन के 8:30। कोई आइडिया नहीं है कब तक रिटर्न हो पाएंगे क्योंकि हम लोगों को 2-3 चीज कवर करना है। एक तो बुमला पास, दूसरा माधुरी लेक जहाँ पे कोयला मूवी का सॉन्ग शूट हुआ था और तीसरा लुंगरुला पास जो कि नया स्पॉट अभी खुला है टूरिस्ट के लिए। और अगर हम लोग 3-4 बजे तक यहाँ पहुंचेंगे तो फिर से यहाँ स्टे करना होगा क्योंकि भाई 3-4 बजे यहाँ से निकलने कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि रास्ते में ना भाई 13,000 फीट से हम लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग यहाँ स्टे कर लेंगे रिटर्न आने वक्त में और फिर कल सुबह यहाँ से निकलेंगे हम लोग दिरांग के लिए। कोशिश करेंगे दिरांग भी ना रुके, सीधा उदालगुड़ी ही लगाएं। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने ले लिया है बुमला पास वाला रोड। ओ भाई स्प्लेंडर, आ जाओ। बाकी गाइस अब हम लोग इंक्लाइन कर रहे हैं और यहाँ से ना काफी खारा चढ़ाव मिलने वाला है। और यार गोप्रो का बैटरी जो है ना भाई इतना जल्दी जल्दी डाउन हो रहा है ना क्या ही बताएं। तो गाइस नीचे देख सकते हैं वो रहा तवांग सिटी और तवांग जो है वो 10,000 फीट पे था और हम लोग अभी तकरीबन 11,000 फीट पे आ गए हैं। दिक्कत हो रहा है क्या बाइक में? पावर कम लग रहा है। अब हाइट पे आ रहे हो भाई तो पावर कम नहीं लगेगा। चेक लाइट भी होना ना, वो ऑफ हो जाएगी। मेरे ड्यूक का पावर कम हो गया तो वो तो स्प्लेंडर है। चढ़ाव जो है ना काफी एकदम खरा खरा है और ये वाला रोड जो है ना काफी छोटा रोड है यार, तो थोड़ा दिक्कत होने वाला है हम लोगों को चलाने में बाइक। सोच समझ कर देख कर चलाना होगा। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है तवांग सिटी और हाँ और हम लोग वहां से होते हुए आए हैं ऐसे ऐसे करते हुए। और गाइस ये देखो स्कूटी भाई, स्कूटी साइड पे भाई साहब मानना पड़ेगा। अब हम लोग तकरीबन आ गए हैं 12,000 फीट पे। आर्मी वाले भैया जो है ना स्प्लेंडर देख के चौंक रहे हैं। ओ भाई भाई साहब क्या हुआ भाई? आराम से। ठंड इस लेवल का हो गया है ना क्या ही बताएं, बहुत ही ज्यादा ठंड हो गया है। और हम लोग तकरीबन 13,000 फीट पे आ चुके हैं। अभी से ठीक 2 महीने बाद आते हैं ना भाई, ये पूरा बर्फ से ढका रहता है। बादल देखो कैसे चल के आ रहा है, देख रहे हो? वीडियो तो बनता है यहाँ पे स्टोरी के लिए। धीरे धीरे पूरा बादल में झप जाएगा ये रोड। देखो बाइक कैसे स्टार्ट हो रहा है। ओ फुल स्केटर है, देखो फुल स्केटर। चलो ब्रादर। अभी ऊपर ना एक लेक भी है, लगभग 13,000 फीट पे लेक है। गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं, एक लेक है यहाँ पर, इसका नाम है PTSO लेक। और
अभी तकरीबन हम लोग हैं 13,000 फीट पे और ये लेक देखो आप, काफी ज्यादा ठंड है यहाँ पे, हाथ मेरा जो है ना सुन्न हो गया। मजा आ रहा है थोड़ा सा और है, पूरा मजा सही है भाई, लग गया। काफी औसम जगह मगर जो भी बोलिए भाई साहब। हाँ बाकी गाइस निकलते हैं हम लोग यहाँ से अब बुमला की तरफ, और धूप जो इस लेक पे पड़ रहा है ना मतलब और भी ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत शाइन कर रहा है। चलिए अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से बुमला की तरफ। बेल्ट बाबा की जय। तो ये है बेल्ट बाबा जी का मंदिर, हम लोग आ गए हैं पूरा बादलों के बीच में। गाइस चढ़ाओ, देखो चढ़ाओ एकदम खारा चढ़ाओ। तो गाइस जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जा रहे हैं ना हरियाली खत्म होता जा रहा है, और गाइस सबसे अच्छी बात कि हम लोगों को ना बारिश नहीं पकड़ाया। बुमला पास यहाँ से अब 10 किलोमीटर बचा हुआ है, फारबिसगंज से आए हम लोग। तो बिहार वाले ही हैं हम, आप भी बिहार से हैं? अरे वाह समस्तीपुर, अरे अरे सबसे कमाल तो ये कर दिया स्प्लेंडर, स्प्लेंडर देखिए, थैंक यू। कहाँ से? बिहार से लेकर आए? हाँ बिहार से। यहाँ अभी तक हम लोग 1200 किलोमीटर चल चुके हैं, 1200 हम लोग निकले थे फारबिसगंज से। और ये बाइक आई इससे पहले कभी? साइड कर लीजिए गाड़ी, ये जो रास्ता है ना सीधा चल जाएगा माधुरी लेक की तरफ, और वो रास्ता जो है चल जाएगा बुमला की तरफ। तो पहले हम लोग करेंगे बुमला, फिर उसके बाद जब रिटर्न आएंगे तो हम लोग कर लेंगे माधुरी लेक, और लुंगरुला भी इधर से ही जाना होगा। बाकी सर मिले हैं, सर बिहार से ही है, भागलपुर से है, बिहार के, लेकिन बहुत आर्मी में बिहार का बहुत कोई है यार। वहाँ भी थे? हम्म, वहाँ भी बिहार से थे ना? हाँ सेला पास में उठना है, पूरा बिहारी है। हाँ पूरा बिहारी है, बिहार का लोग तो कमाल कर दिया है। और ये बगल में आर्मी स्टोर है जहाँ से मैंने लिया है कैप, और ये जो है ना भाई 15,200 फीट पे है। अभी तुरंत मौसम खराब हो गया, देख सकते हो पूरा का पूरा मौसम खराब हो गया है। और ये कैप कैसा लग रहा है भाई कमेंट करके जरूर बताना। चलिए भूख लग गया, कुछ खाते हैं। भाई अभी हम लोग रुके थे एक आर्मी कैंटीन में, यहाँ पे हम लोग किए हैं नाश्ता। यार बाहर जो है ना बारिश होना स्टार्ट हो गया है, पूरे रास्ता भाई बारिश नहीं मिला है, अभी हम लोग यहाँ रुके हैं तो बारिश मिल गया है। तो अभी हम लोग नाश्ता कर लिए हैं और चाय पी के रेन कोट वगैरह डाल के हम लोग निकलेंगे यहाँ से बुमला के साइड। बुमला ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 10 किलोमीटर यहाँ से बुमला पास। बाकी गाइस मौसम देखो, अभी हम लोग यहाँ रुके थे, मस्त सा एकदम छोले भटूरे खाए हैं, और बारिश होने लग गया था तो हम लोग रेन कोट भी पहन लिए हैं फुल। बाकी गाइस हम लोग निकल गए हैं बुमला के लिए, आगे जो है हम लोगों का परमिट चेक होगा। भाई पूरा फॉगी फॉगी सा वेदर हो रखा है, और भाई साहब इतना ठंड है ना, यहाँ से जो 5 किलोमीटर बचा हुआ है बुमला पास। फाइनली गाइस फाइनली हम लोग बुमला कवर कर रहे हैं, फाइनली। बारिश तो अभी छूट गया है, रोड पूरा गीला गीला है, सो हम लोगों को भाई धीरे धीरे चलना होगा। हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं इंजन ब्रेकिंग, क्लच का यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर हम लोग इंजन ब्रेकिंग कर रहे हैं। गाइस रोड देखो कितना खड़ा चढ़ाव है, सो थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा, धीरे धीरे चलाएंगे तो भाई चढ़ने में बाइक थोड़ा दिक्कत होता है यहाँ पे, क्योंकि 125 सीसी है बाइक अपना, तो थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं। चढ़ रही है यार आराम से चढ़ रही है, तो
चलो भाई धूप आ गया। भाई साहब धूप आ गया गाइस। एक ब्यूटीफुल सा लेक यहाँ पे है और वो जाना है वहाँ पे हम लोगों को बुमला पास। थोड़ा गोपुरों का दिक्कत हो रहा है, माइक का प्रॉब्लम आ रहा है इतने ठंड पे ना। एक तो बैटरी जल्दी ड्रेन हो रहा है, मोबाइल का भी बैटरी ना फटाफट से ड्रेन हो रहा है और गोपुरों का बैटरी भी फटाफट से ड्रेन हो रहा है। तो जहाँ भी रुक रहे हैं ना भाई 5-10 मिनट रुक के चार्ज करना पड़ रहा है। स्प्लेंडर को जो है ना दिक्कत होने वाला है। स्लो हो गए या बाइक उठने में दिक्कत होगा पता था। अरे यार बाइक फुल आरपीएम पे है, फुल। ओ भाई यहाँ पे शायद परमिट चेक होगा। जय हिंद सर। हाँ ऑफ कर दे रहे हैं। सो गाइस हम लोगों का एंट्री हो गया है और अब यहाँ से ना 200 फीट बचा हुआ है। हम लोग 15,000 फीट पे ना आ चुके हैं। अब बस चाइना बॉर्डर दूर नहीं रहा, बस आगे है चाइना बॉर्डर। ज़्यादा बोल नहीं पा रहे, बोल रहे तो हाफ रहे, थोड़ा सा ऑक्सीजन प्रॉब्लम है यहाँ पे। फाइनली गाइस मैं अपनी बाइक को लेकर चला आया यहाँ पे। ड्यूक 125 फाइनली रीच बुमला पास। सो गाइस इतने ज़्यादा हाइट पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरे हैं। एक तो भाई आप देख सकते हैं कि हम बार बार हाफ रहे हैं, आपको लग रहा होगा भाई हम क्या कर रहे हैं, लेकिन यार एक्चुअल में वहाँ पे ना सांस का प्रॉब्लम था। और जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो ना वैसे वैसे ऑक्सीजन का जो दबाव होता है ना वो कम हो जाता है, तो इसलिए सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। बाकी गाइस हमारे राइट साइड में आप देख सकते हैं वाइट वाइट सा कुछ बंकर बना हुआ है। इसको ना इसलिए बनाया गया है ताकि सैटेलाइट इमेज से फोटो क्लिक ना हो पाए। एंड गाइस मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। इस जगह पे ना भाई मेरा माइक ही काम नहीं कर रहा था, क्या ही बताए। एक तो इतना ज़्यादा ठंड था, गोप्रो का बैटरी इतना जल्दी जल्दी ड्रेन हो रहा था, फ़ोन का बैटरी इतना जल्दी जल्दी ड्रेन हो रहा था, और ऊपर से भाई माइक का अलग ही भसड़ था भाई, माइक में आवाज़ ही आना बंद हो गया। अब बैटरी जो है ना भाई 100% से 20% पे 10 मिनट में आ जा रहा था, मतलब सोचो कि इतना जल्दी जल्दी बैटरी ड्रेन हो रहा था। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग बुमला पास। यहाँ पे कर दिए भाई अपना बाइक पार्क, क्योंकि यहाँ से आगे बाइक अलाउ नहीं है। देखो चिल्ला के बोले ना अभी सांस फूलने लग गया। धीरे धीरे बोलो यार, धीरे धीरे, मतलब हंसाना उसाना मत प्लीज। बाकी गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए बुमला पास। अभी हम लोग आकर के डांस क्या। इतना ज्यादा बारिश होने लग गया यहाँ पे कि क्या ही बताए, हालत खराब है। ऊपर से 15,000 फीट पे है हम लोग, 15,200 फीट पे। ये देखिए 15,200 फीट। यहाँ से चाइना बॉर्डर देखने जाने के लिए ना आपको करवाना पड़ता है यहाँ पे एंट्री, और यहाँ पे एंट्री होता है। और अभी जिन लोगों का एंट्री पहले हुआ वो लोग जा रहे हैं वहाँ चाइना बॉर्डर देखने के लिए। और अभी हम लोगों का टाइम है ना भाई साहब, भीड़ देखो, ये सभी लोग जा रहे हैं। अब इन लोगों के बाद में हमारा नंबर आएगा। अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं आया ब्रीथिंग का, लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ हर हर 2-3 दिन मिनट पे जो है ना हल्का सा ऐसा वाला फील होता है। फाइनली हम लोगों ने कवर कर लिया बुमला पास। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने खरीदा है टी शर्ट, बेहतरीन सा टी शर्ट भाई। इधर पीछे दिखाना जरा सा, बुमला 15,200 फीट। हम लोग अररिया जिला का पहला बंदा है फोर विजन से जो बुमला पास हम लोग कवर किए हैं।
पागल है यार, से कहां से यहां पे गाड़ियों पे आ गए। क्या उम्र के है तुम लोगों की? मेरा 27 22 भाई, कैसी गाड़ी पे आओ यहां तक आई? ये तो स्प्लेंडर पे आ गया। ये जो देख रहे हैं ना रोड, वो चाइना में ही आता है, और इंडियन आर्मी जो है ना भाई यहाँ से आगे अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ से आगे हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड था। हम लोग गए थे वहाँ वो लास्ट पॉइंट तक, वहाँ पे हम लोगों को जो है चाइनीज आर्मी भी दिखा। अभी हम लोग वहाँ से लेंगे सर्टिफिकेट विथ फोटो, फोटो भी वहाँ पे आर्मी वालों ने क्लिक किया था, तो आर्मी की तरफ से आपको मिलेगा सर्टिफिकेट यहाँ पे। बाकी गाइस काफी ज्यादा ठंड है, यहाँ से हम लोगों को जाना है लुंगरुला पास और माधुरी लेक। फाइनली हम लोगों को मिल गया है सर्टिफिकेट, ये रहा 15,200 feet, और ये जो नाम है ना शादाब, ये मेरा नाम है। आज पता चल गया पब्लिक को, पब्लिक को पता चल गया शादाब हो गया। सही है भाई, सही है, बंदा ऐसा होना चाहिए जो बुलाने का होगा। हम लोग निकल गए यहाँ से, और यार बाइक में प्रॉब्लम आ रहा था, बाइक का इंजन पूरा ठंडा हो गया था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो गाइस वापस हम आ गए हैं तवांग। भाई मेरा ऑक्सीजन लेवल पूरा गिर गया था। हम लोग सिर्फ बुमला पास से जो है रिटर्न हो गए, नहीं जा पाए माधुरी लेक और लुंगरुला पास जो है हिम्मत नहीं था भाई, अगर नीचे नहीं जाते ना फिर तो कुछ ना कुछ मामला हो जाता, इसलिए जो है हम लोग भाई बोले भाई जान है तो जहान है, चलो सीधा नीचे अब। और आज का स्टे जो है हमारा वो तवांग में ही होगा। तो गाइस हम लोग वापस आ गए हैं तवांग। यार क्या बोले भाई साहब, आपका तबीयत खराब हो रहा था रास्ते में, बात मत पूछिए। हम लोगों का प्लान था भाई बुमला के बाद जो है हम लोग माधुरी लेक के बाद जो है लुंगरुला पास जाने का प्लान था हम लोगों का, लेकिन जैसे ही भाई नीचे आए ना, मतलब जैसे जैसे नीचे आना स्टार्ट किए ना भाई, अचानक से मेरा मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लग गया। बोले ना भाई, तो अच्छा हुआ कि ऑक्सीजन हम लोग लेकर गए थे भाई, बहुत रिलीफ किया है पता तुमको। वहाँ पे आर्मी हम लोगों का बहुत हेल्प भी किए कह सकते हैं, हम लोगों को ड्राई फ्रूट्स जूस ये सब सब कुछ पिलाए। बाकी गाइस आज हम लोग जो है तवांग नहीं रुकेंगे, वैसे शाम हो गया, हम लोग कल जो है यहाँ से दिरांग के लिए निकलेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग डायरेक्ट उदालगुड़ी लगाए। कैसा लगा ये वाला एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना, जो लोग नए जुड़े हैं लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो फिर बाय बाय।